नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। महिला ने रेलवे कार्यालय में घुसकर अफसर पति के सिर पर बरसाई चप्पलें। तो चलिए जानते हैं कि किस बात से हुई नाराज। बड़ी शान है, शर्म नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही। दो और जरा के साथ खर्चा नहीं दे रही, दो दो बीबिया रखा खर्चा नहीं दे रहा है, कौन हमारा खर्चा दे? रेलवे क्वार्टर में लेकर के रह रहा है, देने के लिए छतही हो रही है, मेरा बच्चा घूम रहा है, मैं घूम रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी, मैं शिवानी आपके साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन के लोको लांडी में एक रेलवे कर्मी की महिला ने चप्पलों से पिटाई कर दी और अपशब्द कर कर्मचारियों को पता चला कि साहब महिला से पिट गए तो हड़कंप मच गया, वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि ये वीडियो 26 मई का बताया जा रहा है। अब रेल कर्मी की चप्पलों से पिटाई का मामला क्यों सुर्खियों में, आइए जानते हैं। बुला लीजिए मीट रेड खड़की को ऐश कर रहा है, हम गली गली को ठोकर खा रहे हैं, भाग रहा है, जा छुटा रहा है, भाग भाग के यहाँ जाए वहाँ जाए। आपको बता दें कि चप्पलों से पिटने वाली शख्स जंक्शन के लोको लांडी में मुख्य कार्यालय अधीक्षक बताया जा रहा है और वायरल वीडियो में चप्पलों से पिटाई करने वाली महिला उनकी पहली पत्नी बताई जा रही है। पिटाई कर रही महिला दोनों पत्नियों को रखने और खर्च न देने की बात कर रही। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पिछले कई सालों से एक दूसरे से वो अलग रह रहे। मारपीट की खबर जब रेलवे प्रशासन को लगी तो ऑन ड्यूटी रेल कर्मी को पीटने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले को लेकर जीआरपी और आरपीएफ ने जांच पड़ताल की। जांच में पता चला कि दोनों के बीच कोर्ट में मुकदमा चला और कोर्ट के आदेश पर महिला को भरण पोषण के लिए पैसे भी दिए जा रहे, लेकिन वीडियो में महिला खर्च न देने की बात करे। हालांकि विवाद क्यों हुआ या तो जांच में पता चलेगा, लेकिन सरकारी काम में बाधा और ड्यूटी के दौरान मारपीट को लेकर जीआरपी और आरपीएफ कार्यवाही के मोड में दिखाई दे। वही महिला के बेटे ने जीआरपीएफ में शिकायत की कि उसकी माँ को गलत तरीके से छुआ गया, लेकिन वायरल वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। खैर, यह वीडियो अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कुछ चर्चा का विषय बना हुआ। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।